अच्छा भाई माशाल्लाह, एक और वाइट कलर के अंदर, ग्रे और वाइट प्रिंट के अंदर एक बछड़ा आ गया है। ये देसी ब्रीड लग रही है मुझे। सिंध की ब्रीड है, पंजाब की है? नहीं, है पंजाब, है पंजाब की ये भी। इसको आप चोलिस्तानी नहीं कह सकते? हाँ नहीं, बिल्कुल मैं क्लेम नहीं करूँगा चोलिस्तानी का, क्यों बिला वजह में। इसको आप पंजाब में बच्चा कहेंगे। हाँ, ये मिक्स कलर में बच्चा है। अच्छा, ये जोड़े में, लेकिन ये है कि झालर उसकी वो दिख रही है कि कैसी माशाल्लाह लचकदार और भरपूर झालर है। ठीक है, नाफा भी अच्छा है माशाल्लाह से, और हाइट वाला जानवर है ये। हाइट जिनको पसंद होता है ना, हाइट वाला जानवर लेना जी बिल्कुल, तो उनकी कैटेगरी के लिए है ये। दांतों में क्या है, चार? दो? ये दांतों में दो है। अच्छा माशाल्लाह, आप बच्चा गोलाइयों से चेक कर रहे हैं, सीने से चेक कर लें। मेरी तरफ लेकर आए, थोड़ा सा एक चाल दिखाएं ना इसकी। ये ग्रे स्पॉट पे लिया हुआ है और इस पे ब्राउन स्पॉट है। अच्छा, चेहरे के ऊपर भी वो जो ब्राउन स्पॉट स्पॉट्स हैं छोटे छोटे से? जी बिल्कुल। हाँ, नीचे नहीं कर रहा है वो थोड़ा। हाँ, ये देखें माशाल्लाह, आप लोगों को दिखा होगा, प्यारा माशाल्लाह से प्रिंट है। तो ये बताएं इसके क्या, इसकी क्या डिमांड है? इसकी डिमांड है, ये अगर पहले मैं वजन की बात करूं, हाँ वजन पहले बता दें, तकरीबन ये वजन में 5.5 पन बछड़ा है, आराम से 5.5 पन, 5.5 होगा क्योंकि ज्यादा हाइट में भी ज्यादा है ना। जी, गोश्त में भरा हुआ है, हालत में ये 5.5 पन बच्चा है। और इसकी डिमांड अगर बताऊँ तो डिमांड मेरी है इसकी 250 की। आप इसकी डिमांड कर रहे हैं, देख लें। आपको राने वगैरह में इसकी सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, बैक दिखा रहा हूँ, गर्दन दिखा रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि क्या उसका यानी कि साइज़ है और क्या वेट है। तो 250 आप इसकी डिमांड कर रहे हैं और इसमें मजीद जो है वो गुंजाइश इंशाल्लाह हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लेकर आ जाइए। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास उसी से सिमिलर बछड़ा आया है, उसका जोड़ीदार आप कह सकते हैं, उसकी इसकी और उस बछड़े की जोड़ी है दोनों की, और एक जैसे प्रिंट्स है माशाल्लाह, एक जैसी हाइट भी है, और दांतों में भी मेरे ख्याल से ये भी दो है ना? ये भी दो है। वजन में अगर इसकी बात करूं तो ये भी ये ज्यादा लग रहा है, ये तकरीबन 6 मन है ना, मरी गरी हालत में भी ये 6 मन गोश के अंदर पक्का बछड़ा यार। ये देखें आप जरा, आप लोग को इसको मैं इसकी गोलाइयां अगर आप दिखा सकें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो बैक भी इसकी दिखा रहा हूँ और सारा नाफा झालर वगैरह। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोगों को आइडिया होगा, दूर से ना आइडिया नहीं होता, और इनफैक्ट कैमरे में वीडियो में एग्जैक्ट आइडिया होता ही नहीं है। बहुत बड़े बड़े बछड़े मैं मलिर मंडी में भी दिखा रहा होता हूँ, लोग समझते हैं कि हम ज़्यादा रेट लगा रहे हैं, लेकिन वो फिजिकली वो नहीं देख रहे होते तो उनको आइडिया नहीं होता। ये बच्चा, आप इसको फिजिकली आके देखें यहाँ पे, तो फिर आपको इंशाल्लाह इसकी हाइट का वेट का आइडिया होगा। मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त जो मैंने कैमरा लगाया हुआ है ना, इससे कम से कम भी 15 कदम पीछे मैंने कैमरा लगाया हुआ है अपना, जब जाके आपको इसका ये वजूद नज़र आ रहा है, तो इससे आप आइडिया रखिएगा। आप बताएं सईम भाई कि जो है इसका क्या वो वेट वगैरह? देखिए, वेट में मिनिमम भी जो है ना 6 मन गोश्त के अंदर पक्का है। अच्छा, इसकी आप अगर कैमरा आपका दिखाए, इसकी गोलाइयाँ चेक करें। हाँ, ये बच्चा पूरा बनाओ के अंदर हर चीज़ के अंदर मुकम्मल है। सही है। प्राइसिंग क्या रखी है इसकी? दांतों में दो है। अगर मेरी आस्किंग प्राइस की बात करते हैं, मैं इसके 2,50,000 रुपये डिमांड कर रहा हूँ। 2.5 लाख रुपये जी बिल्कुल कर रहे हैं। सही है माशाल्लाह, दांतों में दो है और 6 मन तक का आपने इसका बताया जी अप्रॉक्स। ये गोश में मिनिमम भी 6 मन पक्का बच्चा है। पक्का बच्चा। दूसरी तरफ से दिखाएं अली भाई, उस तरफ मोड़ें इसको थोड़ा सा। माशाल्लाह, बैग देखें इसकी और ये देखें माशाल्लाह। चलें जी, अगला बछड़ा लेकर आइए। अच्छा जी, नेक्स्ट अब जो है ना, थोड़े बड़े बछड़े आना शुरू हो गए माशाल्लाह, और भरपूर बनाओ में प्रिंट में। जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो देख ली है तो उनको अब आगे इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है, एंड तक देखते रहिएगा। बड़े खूबसूरत और बड़े वाले बछड़े आ रहे हैं चोलिस्तानी ब्रीड के अंदर, भरपूर नाफ झालर में, और बहुत खूबसूरत जिसको हम कहते हैं ना वो चीना प्रिंट माशाल्लाह वो है, और बहुत खूबसूरत यानी कि चेहरे से भी फेस ब्यूटी भी बड़ी ज़बरदस्त है, ब्लैक कान है बड़े, मतलब आपको दिख ही रहा होगा माशाल्लाह से, ज़्यादा डिफाइन करने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। दांतों में ज़रा मुझे बता दें जईम भाई क्या है ये? ये मुजम्मिल भाई, दांतों में दो है, कोश के अंदर अप्रॉक्स ये वही 6 मन 6.5 मन के लगभग का बच्चा है। अच्छा, ये जो जईम भाई वेट्स बता रहे हैं ना, आई एम डैम श्योर कि जब आप यहाँ पर आके फिज़िकली देखेंगे ना, तो इससे ज़्यादा ही पाएंगे, कम कोई भी नहीं पाएंगे आप, ये मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ इंशाल्लाह। जितने भी ये वेट बता रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा ये कम करके बता रहे हैं। देखिए, मैं अपनी एहतियात के हिसाब से बताता हूँ कि भाई हमारा जहन कुछ है, आपका जहन कुछ होता है, कस्टमर डिसअपॉइंट ना होता है। बिल्कुल, आए और बोले यार मुजम्मिल भाई आपने ये चीज़ दिखाई और जब हम यहाँ गए तो हमें ये चीज़ देखने को मिली। बिल्कुल बिल्कुल। तो दांतों में क्या होता है? ये दांतों में दो है मुझे। दांतों में दो है। रेट इसके बता दें। इसके रेट जो मैं मांग रहा हूँ 2,70,000 रुपये की मेरी इसकी डिमांड है। ठीक है, और इंशाल्लाह ये फाइनल आपका कहाँ तक, 2.5 तक हो जाएगा इंशाल्लाह? सर इंशाल्लाह आपके रेफरेंस जो आएगा उसको इसका मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मेरा जो है ना वो अपने जानने वालों के लिए भी थोड़ा सा
मैंने कहा ना आपके रेफरेंस से जो आएगा उसको इंशाल्लाह नाउम्मीद नहीं करेंगे हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें जी ठीक है, नेक्स्ट बछड़ा लेकर आ जाइए। अच्छा नेक्स्ट बछड़ा जो है ये भी हाइट वाला बच्चा है और ब्राउन एंड वाइट अबलक प्रिंट के अंदर है। दांतों में बताएं जरा ये क्या, अली भाई के देखे कंधे से ऊपर जा रहा है ये, आप हाइट जरा इसकी आइडिया कर लें। और फुल जूम आउट कर दिया लेकिन फिर भी पूरा नहीं आ रहा है फ्रेम में ना ये बछड़ा, फुल जूम आउट किया हुआ मैंने। थोड़ा सा पीछे ले जाएं, काम करें अली भाई इसको, क्योंकि सही से नज़र नहीं आ रहा है पूरी इसकी जो है ना वो एक, देखें अब जूम कर रहा हूँ तो आपको ज़रा इसका बनाव भी दिखेगा, क्योंकि जूम आउट में ना फिर ऐसा लगता है दूर से कि खाली हाइट है और वो गोश्त नहीं है। ज़रा आप चेक करें माशाल्लाह पूरा, यानी कि पुट इसकी बैक जो है वो फुल भरी हुई है, माशाल्लाह से भरे हुए बच्चे हैं। हाइट ज़्यादा है तो शायद वो उसका नुमाया नहीं हो रहा होगा, नाव झालर वगैरह वाला सारा बच्चा। ये बताएं दांतों में क्या है जहीन भाई? ये इसने दांतों में अभी चौथा दांत निकाला है और ये सीने से देखिए, सीने से बहुत है बच्चा, गोलाइयां बॉल वगैरह उसकी थोड़ी पीछे से, माशाल्लाह पूरा बना हुआ बच्चा है बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वजन के ऊपर आते हैं तो ये वजन में 6 मन से बाहर होगा, 6.5-6.5 मन के दरमियान का बच्चा है ये, सही है। और इसकी अगर कीमत की बात आप करें तो कीमत पे मैं इसके 260,000 रुपये मांग रहा हूँ। 260,000 डिमांड कर रहे हैं जी बिल्कुल। ठीक है भाई माशाल्लाह खूबसूरत बछड़ा है, अब अगला बछड़ा लेकर आइए। अच्छा ये जो बछड़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये दांतों में 2 तो हो चुका है और फॉर सेल भी है, लेकिन जहीन भाई का जो है ना वो इरादा इसको अगले साल पालने का हो रहा है, क्योंकि ये आप इसका बनाओ और इसकी जो ब्यूटी है ना, जो बंदा शौक़ की कदर जानता है, जो पक्का शौकीन है ना असली शौकीन, वही इस बछड़े को पहचानेगा कि इसमें क्या क्वालिटी है। मैं अपने पास से नहीं बताऊंगा, आप लोगों ने खुद ही जो है ना इसकी क्वालिटी को जो है ना वो जज करना है। तो इनका इरादा तो नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी आप परचेज़ करना चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। आप बताएं कि ये वज़न में क्या है अभी जहीन भाई? देखिए वज़न में तकरीबन 6.5-7 मन का बच्चा है, दो दांत के ऊपर ना, दांतों में 2 है पक्का, अभी 2 हुआ है, ये पुराना 2 नहीं है, मतलब बिल्कुल फ्रेश जिसको आप कहते हैं 2 दांत, ये वो बछड़ा है। और अगर इसकी आप कीमत के हवाले से मुझसे बात करते हैं तो मेरी इसकी आस्किंग जो है ना 2.90 की इसकी आस्किंग है, 2.90 की आस्किंग है इसकी। लेकिन आपका ये है कि अगले साल रखने का इरादा हो रहा है जी? बिल्कुल मेरा इरादा ज़ाती तौर पे यही है कि मैं इसको अगले साल करूँ। अभी ये कितने टाइम से पल रहा है आपके पास? ये मैंने अभी रिसेंटली खरीदा है, किसी बंदे के पास था, मेरे दोस्त के पास, मैंने आपसे जिक्र किया था कि उसके पास से मैं 3 बछड़े खरीद के लेके आया, उसके पास मामला हो गए थे तो उसने ये हमको डिस्पोज कर दिए। सही बात है सही बात। चले भाई माशाल्लाह माशाल्लाह अगला बछड़ा लेकर आइए। अच्छा जी बछियाओं की कलेक्शन अब आपको दिखा रहा हूँ बछिया लवर्स के लिए, और बछियाँ माशाल्लाह से इन्होंने चुन चुन के रखी हैं, ज़्यादा बड़ी कैटेगरी नहीं है बछियाओं की, 3-4 बछियाएँ हैं लेकिन सारी ही माशाल्लाह से खूबसूरत हैं और ब्यूटी के अंदर हैं। ये बछिया भूरी बछिया है, लाल नुकरी भी जिसको हम बोलते हैं ना नॉर्मली, भूरी यानी कि जो है ना आप नाक देखें इसकी माशाल्लाह, और एक मुनासिब बछिया है। दांतों में क्या है ये? दांतों में अभी 2 हुई है, बिल्कुल फ्रेश 2 है, फ्रेश 2 है ये। वज़न की अगर इसकी हम बात करें तो तकरीबन 4.5-5 मन बछिया है, 4.5-5 मन बछिया। अली भाई थोड़ा सा एक बार और चला के लेकर आएँ माशाल्लाह। अच्छा इसके पैर भी भूरे? हाँ पैर भी भूरे हैं, टखने इसके जो भूरे हैं, मुँह से माथे से हर तरफ से सींगे हल्की हल्की सी वो भी, और जो इसके क्या कहते हैं दुम है वो भी पीछे गोल्डन कलर की है ना बिल्कुल, पूरी माशाल्लाह भरपूर भूरे रंग में ये देखें आप। इसकी आईलिड्स भी जो है ना आपने अगर देखी हो तो आईब्रोज जो है वो भी जो है वो बिल्कुल भूरे रंग में है माशाल्लाह, बहुत प्यारी यानी कि ब्यूटी में है। तो क्या इसकी आपने डिमांड रखी है? नाम मैंने इसका वैसे शहजादी रखा था ना, बिल्कुल मुझे याद है आपका, आपने इसका नाम शहजादी रखा है, शहजादी नाम रखा है माशाल्लाह। अगर इसकी कीमत की बात करूँ तो बॉस इसकी जो आस्किंग है मेरी वो है 250 की इसकी आस्किंग, 250 की इसकी आपकी आस्किंग है माशाल्लाह। 5-5.5 मन आपने इसका वजन बताया, 4.5-5 मन की बछिया है, ऊपर होगी इंशाल्लाह अंदर नहीं होगी, ऊपर ही होगी 5 मन से। ठीक है जी अगली बछिया लेकर आइए। आगे गुलाबी और कचली बछिया है, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। अच्छा जब तक वो अगला जानवर लेकर आ रहे हैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये छोटे छोटे से जो बच्चे हैं ना इनके डक में, ये आप देख सकते हैं ये अगले साल के लिए पल रहे हैं। ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि भाई ये इस एज से जो है ना ये बछड़ों को बछियाओं को पाल रहे हैं ज़्यादातर। कुछ कलेक्शन उन्होंने अभी रिसेंट ख़रीदा है क्योंकि कस्टमर ज़्यादा होते हैं उनकी डिमांड को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए, लेकिन अपने पास इनके पास इस एज से जो है ना वो बछड़े पल रहे होते हैं। अच्छा जी 2 बछियाएँ हैं इनकी जोड़ी बनाई है मैंने, एक का नाम है गुलाबो द लेफ्ट वन, ये जो है ये गुलाबो है, और ये द राइट वन जो है ये कजली है, कजली आँखों की वजह से। अब इनकी डिटेल्स मैं आपको बताने से पहले ये बता दूँ कि जो गुलाबो है ना ये अभी खीरी है, खीरी में भी है कि दांत अभी ये हिला रही है, इसने गिराए नहीं है दांत ना, मतलब ये है कि जहीन भाई ने ये मुझे डिटेल्स बताने के लिए बोला है कि
आपको ये बोलकर नहीं बेचा जाएगा कि यार पक्की खीरी है ईद तक दो दांत हो जाएगी, नहीं। जिसने अगर परचेज करनी है तो वो इसको देख के अगले साल अगर वो पालना चाहता है, इस उस पर लेना चाह रहा है कि अगर भाई इस साल हो गई तो कुर्बान कर लेगा, नहीं तो अगले साल पलवाना चाहे जहीम भाई के पास, तो वो इसको कंसीडर कर सकता है। वरना कोई इशू नहीं है, गलत बयानी करके माल नहीं बेचना। जो राइट वाली है ये जो है वो दो दांत हो चुकी है और ये कंप्लीट पक्की दो दांत है, दोनों जो है माशाल्लाह साइज़ में। हालांकि जो गुलाबो है लेफ़्ट वाली ये ज़्यादा बड़ी है साइज़ में, आप देखें ना खीरी में भी माशाल्लाह इसकी जो आप बनाव देखें, झालर देखें, ब्यूटी देखें। और इसी बछड़ी का मैं बता रहा हूँ कि एक बंदे ने कमेंट भी किया था जब इसकी मैंने पिक्चर डाली कि इन्होंने डी हॉर्निंग नहीं करवाई हुई, और ये चीज़ उसने अप्रिशिएट करी कि जो है ना इन्होंने उसकी सींगें नहीं काटी हुई। वैसे ही माशाल्लाह से बछिया में इतनी भरपूर खूबसूरती है कि उसको सींगें कटवाने की ज़रूरत ही नहीं है माशाल्लाह। और ये दूसरी बछिया देखें माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों ही माशाल्लाह से भरपूर है। अब जहीम भाई इसका बताएं वेट क्या होगा जो कजली है? देखें ये कजली वाली की अगर बात करते हैं ये 5 मंथ से ऊपर निकलेगी गोश में, सही है। अच्छा जब इसकी दांतों पे आता हूँ तो दांतों में ये मेरे पास की पली हुई बछिया है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि मैंने बाहर से आउटसोर्स की है, ये मेरे पास घर की पली हुई बछिया है, सही है। तो मैंने भी इस गुमान में इसके दांत चेक नहीं किए थे जब लास्ट टाइम आप आए, तो मैंने अभी कल इसके दांत चेक किए तो इसने दांत हिला रही है मुझे, तो कन्फर्म कजली की बात कर रहे हैं। ये दांतों में दो हो चुकी, मतलब सॉरी माजत खाऊं, ये कजली की नहीं, हम गुलाबों की बात कर रहे हैं। गुलाबों की, वही तो मैं भी वो गया कि कजली तो दो दांत जी है। जी गुलाबों की मैं बात कर रहा हूँ कि वो पक दांतों में अभी उसने अपने दांतों में स्पेस मारी है और हिला रही है, आने वाले दिनों में दांत गिरा देगी। जिसको भी समझ आए ना वो बेहतर ये है कि पहले देखे, तसल्ली करे, उसके बाद फिर बात करे। क्योंकि देखें ऐसे बात करना बेकार है कि भाई आप आओ और मैं आपको बोलूँ नहीं दो दांत है और ये हो जाएगी ये हो जाएगी। देखें कुर्बानी का मामला ऐसा नहीं होता। और वो जो कजली है उसका बताएं, वो पूरी दो दांत है, वो अभी रिसेंटली दो दांत हुई। अच्छा मजे की बात ये है कि दोनों एक साथ की बछियां हैं, एक साथ पली हुई, एक साथ की पली है शुरुआत से लेकर आखिर तक। ये हमारे पास शुरू से हमारे पास, मेरे पास इस बच्ची, इन दोनों बछियाओं को तकरीबन 1.5-1.5 साल से ऊपर का अरसा हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कजली का वेट आपने बताया 5.5 महीने या किसका? इस कजली तकरीबन 5.5, जो गुलाबो है वो तकरीबन 5.5 महीने होगी और कजली बछिया जो ये भी तकरीबन 5-5.5 महीने के दरमियान गोश में बैठेगी। ये गुलाइयों में और सीनों में बहुत हैं बछियाँ। बेशक बेशक नज़र आ रही है झालर भी, नाफा भी दोनों का। इधर करें अली भाई, वो वहाँ तो पता नहीं कौन देख रहा है, हमने तो यहाँ से देखना है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अकेले अली भाई से ना दो बच्चियाँ समझ नहीं रही हैं असल में। अच्छा ये गुलाबों का आप देखें ना, इसका एक आग ब्लैक है और एक आग इसकी वाइट में है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे, बहुत ही प्यारे। ये देखें भाई सीना देखें माशाल्लाह से, तो दोनों बच्चियाँ भरपूर ब्यूटी में। इनके प्राइसिंग आप बता दें दोनों के। अच्छा प्राइसिंग की अगर बात करता हूँ तो वैसे जोड़ी की बात करें तो जोड़ी कोई लेता है तो उसके लिए जो है 5.5 लाख रुपए है, लेकिन अगर सिंगल सिंगल की बात करते हैं तो मैं 3.5 लाख रुपए गुलाबों के मांग रहा हूँ और 2.5 लाख रुपए कजली के। कजली के 2.5 लाख रुपए मांग रहे हैं, ठीक है जी। और कजली दो दांत है और वो जो है गुलाबो पक्की खीरी है, होपफुली बकराईद तक इंशाल्लाह ये दो दांत हो जाएगी। चलें जी अब आखिरी इनका एक बछड़ा मैं दिखा रहा हूँ। वैसे तो अभी बहुत सारा कलेक्शन रह गया है इनका दिखाना, लेकिन वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो गई है, इसलिए ना मैं सारा कलेक्शन इनका लाइव सेशन जो करूँगा ना तो उसमें दिखाऊँगा मैं। और अभी जो है ना मैं इनका आपको आखिरी बछड़ा दिखा रहा हूँ, जो इनका सबसे ज़बरदस्त बछड़ा है। शेरा नाम रखा, शेरू नाम रखा हुआ है उसका। अच्छा जी नेक्स्ट जो बछड़ा आ रहा है वो जान है HD कैटल फॉर्म की, और इसका नाम इन्होंने शेरू रखा है। माशाल्लाह जायंट बुल है और बहुत वज़नी, बहुत उम्दा, यानी कि माशाल्लाह हर एतबार से नस्ल में ये साहिवाल है ना? जी बिल्कुल प्योर साहिवाल बछड़ा है और फुल भरा हुआ, अच्छी हाइट में, अच्छे वजूद में। बताएं इसकी थोड़ी सी डिटेल्स बताइएगा ज़रा मुजम्मिल भाई। ये अभी फ्रेश दो दांत है, बिल्कुल फ्रेश दो दांत है माशाल्लाह। इसने अभी इसी महीने, पिछले महीने इसने दांत अपने निकाले, फ्रेश बिल्कुल दो दांत बछड़ा है ये। वज़न की अगर मैं बात करने आऊँ तो ये गोश्त के अंदर अप्रॉक्स 9.5-10 मन के लगभग ये गोश्त होगा आराम से इंशाल्लाह। ये आप जो देख रहे हैं नाज़रीन वो भी इस बात को इंशाल्लाह कन्फर्म करेंगे कि ये 9.5-10 मन तो ये आराम से होगा इसकी गर्दन। तो ये देखें तो ज़रा आप माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा तो आपने इसकी प्राइसिंग क्या रखी है फिर? देखें इसकी प्राइसिंग कितने रखे हैं आपने? प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो देखें इसकी प्राइस मैं मांग रहा हूं, मेरी आस्किंग जो है वो 3,80,000 माशाल्लाह आस्किंग है। यार देखो जो लोग फॉर्म्स पे विज़िट करते हैं और जिनको रेट्स का आइडिया है ना,
वो कमेंट करके बताएं एटलीस्ट कि इस बछड़े की किसी भी आम फॉर्म के ऊपर 5 लाख रुपये डिमांड होगी कि नहीं होगी। मेरा एक आइडिया था, एक गुमान था, क्योंकि मैं जाता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ ना। लेकिन माशाल्लाह आपने कितने रखे हैं? 3,80,000। 3,80,000 आपने रखे हैं, जो कि बहुत इकोनॉमिकल है और अल्लाह ने चाह तो ये टिकट हो जाएगा। कितने इसमें और भी गुंजाइश है या ये फिक्स है? ये देखिए, आपके नाम पे कोई बंदा आएगा तो डेफिनेटली हमें कंसीडर करना ही है उसको। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी मेरे रेफरेंस से अभी मजीद भी इसमें गुंजाइश निकालेंगे आप। चलो भाई, बड़ी दिल को खुशी हुई ये बात जान के। तो शेरू जो है अवेलेबल है SD कैटल फॉर्म पे, और इसके जैसा एक और बछड़ा था जो इन्होंने बेच दिया, मानी भाई को पसंद आया था, और मानी भाई ने जिसका बता रहा था ना, वो 20,000 रुपये ऊपर की इनको ऑफर दी थी। मैं आपको चले एक झलक दिखला ही देता हूँ, वो खड़ा हुआ है बछड़ा, ये रहा वो, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये खड़ा हुआ है, ये सेल हो चुका है जईम भाई का बछड़ा। और ये अब मैं आपको प्राइस बता नहीं सकता, वरना मेरा इतना दिल चाह रहा है आपको बताता कि ये किस प्राइसिंग के अंदर सेल हुआ था, माशाल्लाह। तो ये थी भाई आज की वीडियो HD कैटल फॉर्म की, और लाइव सेशन में इंशाल्लाह इनका करूँगा, जिसमें इनके सारे जानवर एक एक करके दिखाएँगे हम, और अगेन उनकी प्राइसिंग भी आपको बताएँगे। और उस वक्त तक मैं इंतज़ार में हूँ कि आप में से कौन कौन इनसे ख़रीद लेता है बछड़े, ताकि वो मैं लाइव सेशन में आप लोग के, फिर जो भी कस्टमर ख़रीदेगा मेरे रेफरेंस से ना, मैं लाइव सेशन में नाम लेके उनका बताऊँगा कि भाई ये फ़लाँ भाई ने वो मेरे चैनल के थ्रू ख़रीदा है। तो इंशाल्लाह देखते हैं लाइव सेशन, इंशाल्लाह इनका 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर कोशिश करता हूँ कि इनका लाइव सेशन भी हम लोग स्केजुअल करें, और वो नाइट में होगा, तो सारे भाई उसके लिए रेडी रहें। वीडियो अगर ये पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए कैटल मार्केट कराची को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।